जैसा कि मालूम है कि सम्राट अशोक जो उद्बोधन से करेंगे, हमारे अमित कुशवाहा जी हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। और पूजा करने के बाद राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना है, इसलिए हमको हर हालत में सम्राट अशोक के जो लघु शिलालेख है, जिसकी कल्पना मैं बार बार पत्रकार साथियों और एक्टिविस्टों को दे रहा हूँ कि आपकी कल्पना है, आपने खड़ा किया। आज यह आंदोलन जो खड़ा है, ये आपकी देन है। और इस पूरे राजनीतिक कार्यकर्ता तो लगभग 20 वर्षों से लड़ रहे हैं इसको आंदोलन करने का काम किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य था आज 35 साल से 32 साल से कौन राज कर रहे हैं। अब देखिए, ये लोग तुष्टिकरण वाले लोग हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो। आप पूछेंगे कि हम लोग भी सरकार में थे, तो सरकार में तो हम लोग मंत्री के तौर पर थे। मंत्री राजा का सलाहकार होता है और सलाहकार सलाह दे सकता है। हम लोग तो संतोष जी पहले भी कहते थे, यहाँ बैठे हैं सत्यनारायण जी, ये लोग भी पहले भी कहते थे। जिला अध्यक्ष जी ने भी पिछले बार हमारे को बताने का काम किया था, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी को कहते थे, मुख्यमंत्री जी कहते थे कानून अपना काम करेगा। लेकिन पिछले 32 वर्षों में लालू और नीतीश के राज में हम लोग कानून को खोज रहे हैं, कानून मिल नहीं रहा था। सिर्फ तुष्टिकरण का राज है, क्या तुष्टिकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग को आप याद कीजिए, जब भी कोई आंदोलन होता होगा उसमें जेल में ठूसने का काम करते, लेकिन जब संप्रदाय की बात आती होगी तब नीतीश जी का हाथ कांपने लगता होगा। अरे कांपना क्यों है भाई, न्याय के साथ राज करो। आज भी हम यही कह रहे हैं, अवैध कब्जा को मुक्त करो। भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं कहती है, ये अवैध कब्जा यदि वहां पर है, जो आप अपने रिपोर्ट में कहते हैं, तो उसको मुक्ति दिलाने का काम करना होगा। और नहीं यदि करोगे, आज तो हम यहाँ आए हैं, अभी जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, नहीं तो सीधे चंदन पर्वत पर जाने की बात करेंगे। ये स्पष्ट है, हम किसी से झुकने वाले नहीं है, हम सहयोगी सहयोग करने आए। हम जिलाधिकारी को यही आग्रह और निर्देश करने आए, आप यदि चाहते हो कि शांति अमन और शांति बनी रहे, तो सासाराम की धरती पर जो अवैध कब्जा हुआ है उससे मुक्ति दिलाने का काम करो, नहीं तो आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह लोगों ने अवैध कब्जा किया और जिस राजा ने इतना बड़ा सपना देखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।